नहीं वो आई मीन कि देखिए पहले तो ये कि आईसीसी की रूल्स क्या कहते हैं, तो शकीब से भी बात कर रहे हो। हाँ, दो एम्पायर्स खड़े हुए उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े हुए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया और हमने देखा है तो वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था, तो इसमें कोई आई मीन मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता, लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हम दोबारा प्ले करके कमेंट्री के साथ सुनते हैं क्या इस पर बात एक्चुअली बेहतर है। देखिए उसने आपने सुना उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा और तुम्हें एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे, उसके ये अल्फाज थे। उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है। सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में था ना 87 में उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से मगर उन्होंने नहीं लिया था। आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है रूल एंड रेगुलेशन में भी ये कहते हो कि इसको आउट करार दिया जा सकता है, उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंपायर ने आउट भी दिया भी था तो यहाँ पे वो शकीब को ऐसा चाहिए था कि उसको बुलाता और उसको कहता खेलें, फिर क्रिकेट तो यही बनती है। मेरे श्रीलंका और बांग्लादेश के मबैन खेले गए आज के वर्ल्ड कप मैच में हमें एक ऐसा सीन देखने को मिला जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। हमेशा की तरह बांग्लादेश टीम के बैड बॉय शाकिब उल हसन ने एक दफा फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की में घटिया परफॉर्मेंस करते हुए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। मैच जारी था जब एंजेलो मैथ्यू बैटिंग के लिए आए और जब वो ग्राउंड पर पहुंचे तो वो उन्हें याद भूल गया और वो गलती से अपना जो हेलमेट था वो गलत ले आए, मतलब कि उनका हेलमेट टूटा हुआ था। उसके बाद उन्हें लगा कि सब लोग ये देख रहे हैं तो वो हेलमेट चेंज करने के लिए दोबारा फील्ड से बाहर गए जिसमें उनको 2-2.5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया। आईसीसी के रूल के मुताबिक 3 मिनट के अंदर अंदर बैट्समैन को आना होता है ग्रीस पर, न्यू बैट्समैन जो आउट होके आता है ताकि उसकी जगह खेल जारी रख सका जा सके। लेकिन उसके बाद जब वो आए तो शाकिब उल हसन ने अंपायर से कहा कि तो आउट है, उन्होंने अपील कर दी, लेकिन एंजेलो मैथ्यू वहाँ पर अपनी वजाहतें देते रहे लेकिन शाकिब उल हसन ने उन्हें उन पे पीठ पे हाथ मारा, उन्हें अंपायर के पास भेज दिया। लेकिन अंपायर का फैसला तो फिर कवानीन के मुताबिक था, अंपायर ने उनको टाइम आउट करार दे दिया। यूं आईसीसी की तारीख में दुनिया की क्रिकेट की तारीख में पहला खिलाड़ी टाइम आउट हुआ जिसका नाम एंजेलो मैथ्यू है और एक दफा फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ गई। अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है, आप पास में कितने आए जो बॉलर्स क्रीज से आगे मन कट कर देते। अभी शायद अफगानिस्तान ने क्या किया था, बिल्कुल हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में जी उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने, अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शदाब हुआ फरूकी ने आउट किया और जीता हुआ मैच, जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था। पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मजारा करना होता है फिर होके जीतते तो फिर ज्यादा मजा आता है। रूल में यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आईसीसी का रूल कहता क्या है। आईसीसी का रूल कहता है आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट ऑफ अ बैटर द इनकमिंग बैटर मस्ट अनलेस टाइम हैज बीन कॉल्ड बी रेडी टू रिसीव द बॉल फॉर द अदर बैटर एंड ही शुड बी रेडी विद इन 2 मिनट ऑफ द डिसमिसल और रिटायरमेंट। तो अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कैन यू फाइंड आउट ये कब क्रीज पे आया था तो उस वक्त 2 मिनट तो नहीं हुए थे, क्यों हो गए थे? 2 मिनट से टाइम ऊपर हुआ तो आउट थी नहीं पर खेला क्रीज पर पहुंच गया, क्रीज पर पहले उसने गार्ड तो ले लिया था ना, गार्ड ले लिया था खड़े होने, उसने स्ट्रैप जो है ना टाइट करने की कोशिश की वो टूट गया, क्रीज पर पहुंच गया था। और इसी रूल में एक और चीज ऐड होती है, 1 मिनट अंपायर जो है अंडर सर्कमस्टांसिस बढ़ा सकते हैं, वो अंपायर ने भी मिसरीड किया। फिर यूसुफ भाई मेरा ख्याल है कि ये रूल्स अपनी जगह रूल्स तो जो रूल्स हैं अंपायर उसको फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है जो उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई और ये
मेरा ख्याल है एक तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए गेम का कोई वैसे ही खेल रहे हैं, ये डेड रबर गेम है। तो इसमें ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखा रहे आप, बिल्कुल ही शाकिब की तरफ से। मैं कह रहा हूँ ना, पिछले मैच में मुझे ऑफ ही लगा है, इस वक्त तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया ना ये, तो इतना सीनियर हल्की छोटी जाकर बात कर ली मैथ्यूज ने, तब तो सुन लेनी चाहिए थी। ये तो ऐसी चीजें तो जीते हुए मैचों में लोग कर देते हैं, छोड़ जैसे गॉटनी वॉच का बताया, और भी आप ऑस्ट्रेलियन छोड़ देते हैं, मैंने कई दफा देखा उनको आजकल। हाँ